ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक करवा दिया था आपको वेरिएशन ऑफ द एक्ससी विथ फ्रिक्वेंसी, एक्सएल मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो रिलेशनशिप थी वो मैंने आपको बता दी थी फ्रिक्वेंसी के साथ में। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर। ओके, आज हमको तीसरा सर्किट करना है जिसका नाम है आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक ना। हमको तीसरा अगला सर्किट करना है, तो बच्चों हेडिंग डालिए एसी सर्किट विद एलसी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एलसी आर तीनों जब अप्लाई होंगे तो उनका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? हाँ बेटा, सॉरी बेटा, तो हमें एलसी आर में सीरीज सर्किट पढ़ना है आज। तो हेडिंग डालिए एलसी आर सीरीज सर्किट। ओके, लिखिए एसी सर्किट विद एलसी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एसी सर्किट विद एलसी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। देखिए इसमें है हमारे पास क्या, हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। तीनों को हम सीरीज में कंबाइन करेंगे और यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे। ओके, इसके पहले हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा चुके हैं। क्या लगाते आ रहे हैं? हम लगाते आ रहे हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यस, जैसे ही हम ये सोर्स लगाते हैं तो इसमें से एक रैंडम करंट I चलती है, वो भी ऑल्टरनेटिंग होती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज लगाने पर ऑल्टरनेटिंग करंट चलती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट अब यहाँ से जाएगी तो तीनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है VL, इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है VC और इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है VR। तो तीन वोल्टेज हमारे पास ड्रॉ हो गए। तो देखिए आई करंट अगर जा रही है यहाँ पे, तो हम यदि बोलेंगे ऐसा समझिए, अगर यहाँ पर आई करंट जा रही है तो यदि मैं VL की बात बोलूँगा तो VL इक्वल टू कितना होगा? आई इंटू XL। VL इक्वल्स टू आई इंटू XL। अगर मैं मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो क्या इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? आई इंटू आर, तो करंट हो गई आई और रिएक्टेंस हो गया XL। VC इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई XC। ओके, एंड तीसरा जो है जो बनेगा VR इक्वल टू आई इंटू आर। तो तीन वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गए, एक बन गया IXL, एक बन गया IXC और एक बन गया आई इंटू आर, ठीक है ना। तीन वोल्टेज हो गए। अब इन तीनों वोल्टेज में फेज़ रिलेशनशिप देखिए अच्छे से, इन तीनों वोल्टेज में फेज़ रिलेशनशिप देखिए, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो फेज़ रिलेशनशिप कैसी आएगी देखिए, यहाँ पे ये करंट जा रही है। अब जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था वो समझिएगा, ये करंट जा रही है, करंट की ही डायरेक्शन में आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता था वो करंट के सेम फेज़ में होता था। तो यहाँ पर गिरेगा क्या? VR। आपको याद होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो वोल्टेज था वो रेजिस्टेंस के सेम फेज़ में होता है। आर्यन जहाँ पे भूल जाए तुरंत बोलना, बाद में नहीं बोलना सर क्या हुआ। और यहाँ पर VL, क्योंकि वोल्टेज लास्ट क्लास का याद कीजिए, जो VL था इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता था। यस, तो करंट ये जा रही है तो ऊपर क्या गिरेगा? VL गिरेगा। और नीचे क्या गिरेगा? नीचे वाला वोल्टेज गिरेगा VC, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में क्या गया? VR गिरा। VR से 90 डिग्री ऊपर कौन गिरेगा? VL। और यहाँ पर क्या गिरेगा? VC। यस, तो अब क्या? अब देखिए VL पॉजिटिव है और VC नेगेटिव साइड में है, मतलब VL ऊपर जा रहा है और VC नीचे जा रहा है। इन केस अगर VL VC से बड़ा होगा तो VC जो है, जैसे मान लो VL है, VL मान लो है 9 वोल्ट और VC है कितने वोल्ट? 4 वोल्ट। तो जो नेट हमको मिलेगा, क्योंकि VL ऊपर लग रहा है और VC नीचे लग रहा है, तो 9 में से 4 माइनस आ जाएगा तो बचेगा कितना? 5। और ये कहलाएगा VL माइनस VC। तो VL माइनस VC कहाँ टूटेगा? 9 बड़ा था तो 9 की डायरेक्शन में टूटेगा। तो यहाँ तक का वोल्टेज क्या बन जाएगा बच्चों? VL माइनस VC। तो ये है VR और ये क्या बन गया? VL माइनस
वी सी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये बन गया वी आर, ये बन गया वी एल माइनस वी सी, तो ये निकलेगा वी। तो वी कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, ये है वी एल माइनस वी सी, तो ये भी क्या है, ये है वी एल माइनस वी सी, और ये क्या है वी आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से वी क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। बोलो हंशिका, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। ओके, तो वी आर का स्क्वायर इक्वल टू वी वी कुछ वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो नेट वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। पिछली क्लास का होमवर्क करके नहीं दिया आप लोगों ने, बहुत बड़ी भूल, ठीक ना, करके देना था, एक दिन का yes. समय बाकी था, पूरा चैप्टर, इतना डिफिकल्ट चैप्टर पूरा वॉश आउट हो जाता है। अगर करे होते तो थोड़ा कुछ बोलते क्लास में आज, बट नहीं करे हो तो और दिक्कत हो रही होगी। तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब आइए देखते हैं इसको, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा ये वोल्टेज आ गया, ये हमारा नेट वोल्टेज आ गया। ओके, ये हमारा नेट वोल्टेज आ गया वी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो क्या आया नेट वोल्टेज, वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, वी आर की वैल्यू क्या है बेटा, वी आर है आई इंटू आर, वी एल क्या है बेटा, करेंट इंटू रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस कितना होता है एक्स एल, और वी सी क्या है, करेंट इंटू एक्स सी रजिस्ट रिएक्टेंस। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल मतलब आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वी इक्वल टू, देखिए यहाँ से आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से आई कॉमन ले लो तो आई बाहर क्या बन के निकलेगा, आई स्क्वायर बन के निकलेगा, अंदर बच जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वी इक्वल टू यहाँ पर आ गया आई स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ से आई बाहर आ जाएगा, तो वी इक्वल टू आई स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसको आई को नीचे ले जाओ बेटा, वी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद करो, वी अपॉन आई करेंट, वोल्टेज अपॉन करेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्यों क्यों होता है, बिकॉज वी इक्वल्स टू आर आई, तो वोल्टेज अपॉन करेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है केवल डीसी के लिए, एसी में वोल्टेज अपॉन करेंट को बोलते हैं एक नया नाम, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये नई चीज़ आपके सामने आ गई है बेटा, वी और आई का जो इम्पीडेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इम्पीडेंस। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बस इसको प्रोसेस किया है और कुछ नहीं किया। बोलो क्लियर हुआ अंशिका? यस सर। हाँ, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और कल परसों और आज वाला लेक्चर दोनों करके देना हंसिका और सभी बच्चे, तभी ये चीज़ बनेगी, नहीं तो फिर से भूल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसको देखते हैं इस थ्योरी शीट के माध्यम से कि हमें करना क्या है इसमें। देखिए, यस, एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपके पास एलसीआर सर्किट है, ठीक है ना। ये देखिए, आपने वोल्टेज लगाया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ लगाया, ईएमएफ के सेट करते ही यहाँ से करंट फ्लो होगी, और उस करंट फ्लो होने के साथ साथ इसके अक्रॉस तीन वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक वीएल, एक वीसी, एक वीआर। वीएल मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, वीसी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और वीआर मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। ये तीन वोल्टेज ड्रॉप हो गए। सो द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर्स एज वोल्टेज ड्रॉप वीआर, वीएल एंड वीसी अक्रॉस आर एल सी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो आपने अप्लाइड वोल्टेज लगाया है वो इन तीन के अक्रॉस में तीन रूपों में प्रकट होगा, एक वीएल में, एक वीसी में, और एक वीआर में। यस, इन आर
करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो जो भैया रेजिस्टेंस में होता है, हम लोग जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं परसों, कि रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वोल्टेज होता है सेम फेज में होता है। यस, तो ये देखिए ये बन गई करंट और इसी के साथ सेम फेज में क्या जाएगा वोल्टेज। तो किसका, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में होता है। दूसरा, इंडक्टर में जो करंट होती है वो लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है कितने से, पाई बाई टू से। तो इसमें वोल्टेज को ऊपर बना दीजिए, ये देखिए इंडक्टर का वोल्टेज पाई बाई टू रेडियन से लीड कर रहा है, मतलब करंट को पछाड़ के आगे भाग रहा है। और दूसरा, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो करंट के पीछे चलता है। ये तीनों डेरिवेशन अलग अलग अपन ने कर चुके हैं, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड प्योर रेजिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे जा रहा है, तो तीन बन गए। तो ऊपर गया VL, नीचे गया VC। तो अभी अभी मैंने बताया, मैं VL और VC को ब्रेक कर दूंगा। ये देखिए ये रिजल्टेंट फेजर डायग्राम है, तो यहाँ पे ये VR गया है, ऊपर गया है VL, इधर गया VC, और ये मैंने VC के ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो नीचे VC था, ऊपर गया तो क्या बन गया, माइनस VC। और VL में से VC माइनस हुआ तो जो नेट वोल्टेज बचेगा, मान लो ऊपर VL है 8 वोल्ट और VC नीचे था 5 वोल्ट, तो 8 में से 5 माइनस होकर के कितना बचेगा, 3 वोल्ट, और वो कहलाएगा VL माइनस VC। तो ये देखिए ये नेट वोल्टेज VL माइनस VC बना, ये करंट बनी I, और ये जाएगा आपका रिजल्टेंट EMF। तो रिजल्टेंट EMF कितना बनेगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया नेट EMF। यस, सो इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। सो यहाँ से अब ये क्या किया, देखिए यहाँ से VR की वैल्यू पुट कर दी है, वही जो मैंने पीछे पुट किया था वहाँ से VR की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वही वर्किंग है जो मैंने आपको पीछे करके दिखाया। आप कहें तो मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए मैं इसको यहाँ भी कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ ना हो जिससे। ओके यस, ये है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा अपने पास, यहाँ से E इक्वल्स टू, यदि इसको मैं सॉल्व करूँ, इधर पे जगह है तो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो E इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर मतलब होता है आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना, क्योंकि वी एल इक्वल टू कितना है, वी एल की वैल्यू कितनी है, वी एल मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, और वी सी मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई इंटू एक्स सी। तो जब होल स्क्वायर तो आई स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू अंदर से आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट यहाँ पे आया आई स्क्वायर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ई इज़ इक्वल टू आई बाहर आ गया और रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई की वैल्यू देखिए, अब यहाँ से देखिए आई, आई को रोक लो, आई को ऊपर कर लिया, तो ई के नीचे अपॉन में चला गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये आ गई आपकी करंट की वैल्यू। ओके, और आप जानते हैं एसी सर्किट में क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट इम्पिडेंस। बेटा यहाँ रेजिस्टेंस नहीं चलता एसी में, एसी में इम्पिडेंस चलता है। तो ध्यान से देखो ई के नीचे कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, सो दिस इज़ कॉल्ड इम्पिडेंस, ये कहलाएगा आपका इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू ओमेगा सी, तो ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस। चलिए तो एक काम कीजिए, आप कहाँ से कहाँ तक नोट करिए मेरे साथ, यहाँ से बस नोट करिए, क्योंकि बाकी का काम तो कर ले जाएंगे आप लोग। इधर से नोट करो, इधर से ई से, चलो जल्दी करो, लिखो ई इक्वल टू, कहाँ से बना है ई, यहाँ से इक्वल टू, चलिए करिए नोट। इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, सॉल्व करो।
हाँ बन गया। हंसिका पूछी कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है? सर लास्ट टू स्टेप्स एक बार बता दो। हाँ जी बेटा, देखो बेटा अपने पास जो ओम्स लॉ होता है, एसी का ओम्स लॉ, लिखो बेटा वी इक्वल्स टू आई जेड, वी इक्वल्स टू आई जेड या ई इक्वल्स टू आई जेड। आई आर की जगह जेड आता है बेटा। सर वहाँ ए डी सी में रेजिस्टेंस चलता है बट ए सी में होता है बेटा इम्पिडेंस, ठीक है ना? तो ई अपॉन क्या हो गया जेड, तो देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई बाई जेड होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। हाँ तो जेड से कंपेयर करोगे तो ई जेड बन जाएगा, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू बेटा पढ़ाई थी ना मैंने लास्ट क्लास में, ओमेगा एल, एंड एक्स ई की वैल्यू होती वन अपॉन ओमेगा सी। यस सर। हाँ तो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। डन, क्लियर? यस सर। ओके चलिए अब लिखिए एंगल ऑफ फेज। अगला है एंगल ऑफ फेज। एंगल ऑफ फेज कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से, यहाँ से एंगल ऑफ फेज, ये है एंगल ऑफ फेज, मतलब नेट वोल्टेज कहाँ जा रहा है, ऊपर ये जा रहा है नेट वोल्टेज, और ये है अपने पास नेट वोल्टेज है, तो ये एंगल ऑफ फेज कहलाएगा फाई। तो एंगल ऑफ फेज निकालने का फॉर्मूला लिखो टेन फाई। कैसे निकालोगे एंगल ऑफ फेज, लिखो टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर कितना है, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है वी एल माइनस वी सी, लिखते जाओ मेरे साथ वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस। बेस कितना है बेटा वी आर, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक है? तो टेन फाइव इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। देखो कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व, वी एल माइनस वी सी बाई वी आर को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो तो टेन फाइव इज इक्वल टू वी एल कितना होगा, वी एल होगा आई इंटू एक्स एल और वी सी होगा आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो, आई कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो तो कितना आ जाएगा टेन फाइव इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। आई कॉमन लेके देख लो, आई ऊपर से कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, तो आई से आई कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फेज। यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी, हाँ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। एक्स एल इक्वल टू कितना होता है ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू कितना वन बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर। लिखने के बाद डन बोल देना प्लीज। डन सर। ओके चलिए ठीक है, हंसिका बन गया? यस सर। ओके तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, जिसको बोलते हैं ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बाई आर, ठीक है? नोट कर लीजिए प्लीज, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद लिखिए स्पेशल केस। हाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशल केस। देखिए क्या है कि एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्स सी इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे एक्स एल एक्स सी है। अब इसमें तीन केस बन सकते हैं। पहला केस है कि अगर एक्स एल बड़ा हो और एक्स सी छोटा हो, तो अगर एक्स एल बड़ा है एक्स सी छोटा है
मतलब इंडक्टेंस का रिएक्टेंस बड़ा है और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस छोटा है, तो अपने पास एंगल ऑफ फेज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर एक्सएल एक्सिस से बड़ा होगा, अगर एक्सएल एक्सिस से बड़ा होगा तो एंगल ऑफ फेज यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये जो एंगल है ये ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि फाई पॉजिटिव आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ उठेगा। अगर एक्सएल एक्सिस से छोटा हुआ तो फाई नेगेटिव जाएगा, अगर एक्सएल एक्सिस से छोटा हुआ तो फाई जो है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अगर एक्सएल एक्सिस, एक बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, कोई जोड़ना चाह रहा है। हेलो निशांत, लेट हो गए। तो देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, यस, देखिए तीन केसेस हैं यहाँ पे एंगल ऑफ फेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहला है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। हंसिका ये बताओ, ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये चीज़ छोटी होगी, तो ऊपर का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरा केस है, अगर एक्सएल छोटा होगा और एक्ससी बड़ा होगा तो एंगल ऑफ फेस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। और तीसरा केस है, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हुआ तो आंसर क्या आएगा? एंगल ऑफ फेस कितना आएगा? जीरो डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहीं पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी और एक्सएल और दूसरा एक्सएल लेस देन एक्ससी और दूसरा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, है ना, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल और एक्ससी का मतलब ओमेगा, तो पहले वाले में एंगल ऑफ फेस पॉजिटिव होगा, मतलब ये जाएगा पॉजिटिव और ये एंगल ऐसा आएगा, मतलब वोल्टेज जो होगा वो करंट से फाई एंगल क्या करेगा? लीड करेगा। सेकेंड केस में अगर एंगल ऑफ फेज नेगेटिव है, मतलब जो नेट वोल्टेज है वो क्या करेगा? फाई एंगल लैग करेगा, किससे? करंट से, क्योंकि करंट तो अपनी ही पोजीशन पे है ना, वोल्टेज आगे पीछे हो रहा है। और तीसरा केस, अगर फाई बराबर ज़ीरो है, इसका मतलब जो करंट के साथ जो होगा वोल्टेज होगा वो हम साथ साथ है करके चलेगा, मतलब सेम फेज में रहेगा। तो तीन कंडीशन बनी। तो हंसिका पहला केस पढ़ो, केस नंबर वन, व्हेन व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, दैट इज ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन बाय ओमेगा सी, देन टैन फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव और फाई इज पॉजिटिव, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेस एंगल फाई, एंड देन एलसीआर सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। हाँ, क्योंकि इंडक्टेंस, इंडक्टेंस डोमिनेटेड मतलब क्यों? क्योंकि एक्सएल ज़्यादा है और एक्ससी कम है, मतलब एक्सएल ज़्यादा है एक्ससी कम है, समझ गया ना, मतलब इंडक्टेंस के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा और कैपेसिटेंस के ऊपर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यस सर। हाँ, बिकॉज बेटा देखो ना, एक्सएल बड़ा है एक्ससी छोटा है और दोनों में आई आई का मल्टीप्लाई कर दो तो आई एक्सएल ग्रेटर देन आई एक्ससी, तो आई एक्सएल क्या होता है? वी एल, और वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ? वी एल ग्रेटर देन वी सी, मतलब वोल्टेज जो होगा इंडक्टर साइड का ज़्यादा होगा और कैपेसिटर साइड का कम होगा, इस वजह से जो नेट वोल्टेज आएगा वो क्या करेगा? करंट को फाई एंगल लीड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और करंट क्या करेगी? लैग करेगी। करंट क्या करेगी? लैग करेगी। सेकंड केस करो बेटा, व्हेन एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्ससी, दैट इज ओमेगा एल इज स्मॉलर देन 1 बाय ओमेगा सी, टैन फाई इज इक्वल टू नेगेटिव और phi is negative, the current leads the EMF by phase angle phi and the LCR current is capacitance dominated circuit. बिल्कुल सही बात है। तो दूसरे फेज में एंगल ऑफ देखिए phi हो जाएगा, lag हो जाएगा, और lag किस में चलता है? कैपेसिटर में, मतलब ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा और करंट यहाँ पे लीड करेगी और वोल्टेज यहाँ पे lag करेगा। थर्ड पढ़िए बेटा, when xl is equal to xc, that is omega l is equal to 1 by omega c,
tan phi is equal to 0 or phi is 0 degree, the current and the EMF are in same phase, the impedance does not depend on the frequency of the applied EMF, LCR circuit behaves like a purely resistive circuit. Exactly, इस समय पर अगर XL equal to XC हो जाएगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे, और आपको पता होगा कि करंट और वोल्टेज जब सेम फेज में होते थे तो सर्किट में केवल क्या होता था, प्योर रेजिस्टेंस। तो इस समय जो सर्किट होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जेड की वैल्यू निकाल चुके हो, है ना, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, आपने कॉपी में तो लिखा है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अभी का केस क्या चल रहा है बेटा, XL इक्वल टू XC, है ना, XL इक्वल टू XC, सॉरी, हाँ, तो XL इक्वल टू XC, तो XL XC जब इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जेड केवल क्या बचा, अंडर रूट आर का स्क्वायर, और अंडर रूट आर का स्क्वायर क्या आएगा, आर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो सर्किट होगा वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस देगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं पूछो। यस सर क्लियर है। चलो नोट करो बेटा इसको, छोटा छोटा सा थ्योरी बाद में करना, नोट करो। सर डन। ओके डन। यस सर। ओके चलिए ये हो गया। अब चलिए देखते हैं बच्चों अगली कंडीशन, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। लिखिए रेजोनेंस इन एसी सर्किट, रेजोनेंस इन एसी सर्किट विद एलसीआर, रेजोनेंस इन एसी सर्किट विद एलसीआर। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखिए आपने देखा अभी कि जेड की वैल्यू क्या आती है बच्चों, आपने देखा जेड की वैल्यू जो आती है वो आती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और आपने देखा था कि एक्सएल जो है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा के साथ जो होता है एक्सएल बढ़ता है। तो ये एक्सएल का ग्राफ है, ये ओमेगा के साथ बढ़ रहा है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, वन अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी मतलब एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब अगर एक्स सी जो है वो ओमेगा के साथ घटता है, यस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये दोनों फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी हो रहे होते हैं, एक जीरो से हीरो हो रहा होता है और एक हीरो से जीरो हो रहा होता है। इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक्सएल और एक्सी। देखिए यहाँ पे ये एक्सएल का ग्राफ है और ये एक्सी का ग्राफ है, दोनों इस पॉइंट पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए। इस पॉइंट पर देखिए एक्सएल और एक्सी क्या हो गए, इक्वल। और जैसे ही एक्सएल एक्सी इक्वल हो गए तो एक दूसरे को काट देंगे, और जेड केवल किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल, मतलब
जेड अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि इस समय इम्पीडेंस सबसे कम हो जाता है, और इम्पीडेंस कम होने के फायदे क्या हैं? करंट क्या होती है? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी करंट। तो करंट बढ़ जाएगी और इम्पीडेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इस केस में आपका कहलाएगा रेजोनेंस। तो देखो क्या केस है, XL इक्वल टू XC हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, XL इक्वल टू XC का मतलब ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा C। यहाँ मैं आपके लिए लिख दूंगा, अभी थोड़ी जगह मिल जाए मुझे, ठीक है ना। इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए XL इक्वल टू XC है, XL इक्वल टू XC, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए XL इक्वल टू XC, ये लिख दिया मैंने XL इक्वल टू XC। XL कितना होता है बेटा? ओमेगा L, XC मतलब वन अपॉन ओमेगा C। बेटा ओमेगा को ऊपर ले आओ तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया वन अपॉन एल सी, है ना। ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा इक्वल टू हो गया वन अपॉन अंडर रूट एल सी। कल बताया था ओमेगा कितना होता है, टू पाई एफ इक्वल टू वन अपॉन एल सी अंडर रूट के अंदर। तो फ्रिक्वेंसी कितनी निकल आई इस फ्रिक्वेंसी पर, टू पाई अंडर रूट एल सी पर, जो एक्सएल होंगे और एक्सी होंगे वो आपस में लड़ मरेंगे, और जैसे ये लड़ मरेंगे तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ये कहलाती है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए इस समय जेड कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जेड कितना हो जाएगा? आई एफ आर हो जाएगा केवल। और करंट कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी? ई बाई आर। यस, दैट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाई द सर्किट इज मिनिमम एंड द सर्किट करेंट इज मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन ऑफ एल सी आर सर्किट एंड द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। देखो ओमेगा और ओमेगा एल सी के इक्वल आ गया, तो ओमेगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई? वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूड एल सी। ये जो मैंने निकाली है यहाँ पे वही है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। अब देखिए पहले इतना नोट करो बच्चों, फिर डन बोलो, रोटना नोट करने के बाद मुझे डन बोलो। पहले इतना नोट कीजिए, पॉइंट पॉइंट नोट करिए जो मेन मेन मैंने लिखा है। ठीक है, डन। डन क्यों आ रही है? नहीं दोपहर वाले स्टूडेंट क्यों नहीं आए आज यार? इनको नहीं आना क्या? मेरे को नहीं पता सर आज। अच्छा, क्योंकि आप आने वाले थे ना आज उनके साथ में, तो मेरे को लगा आपसे कोई बात हुई। स्कूल से मैं आज लेट छूटा हूँ, वो दो दिन और मतलब लेट होगा, उसके बाद आने लगेंगे उनके साथ। ठीक है, वो आएंगे तभी अपन स्टार्ट देखेंगे कुछ, है। हाँ सर, चलो ठीक है। वो कितने लोग? तीन लोग आते ना? हाँ थ्री स्टूडेंट्स थे वो। अभी ये मैं इसके साथ पांच लोग और बंदे हैं, ये क्या यशराज जो है ना, है ना। हाँ, उसके जो स्कूल के भी पांच छह बंदे और हैं, उनका भी कुछ चल रहा है ऐसे ही, उनका भी टाइमिंग एडजस्ट के लिए बोल रहे हैं। चलो तो बेटा ये हो गया, समझ में आ गया? बोलो क्लियर है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी? यस सर, 9 बजे से बायो क्लास। चलो बस दो मिनट बेटा। अब देखिए बेटा रेजोनेंट कर्व देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है रेजोनेंट कर्व में। ये देखो बेटा, अभी मैंने क्या बताया, करंट क्या हो रही है बेटा? रेजिस्टेंस मिनिमम हो रहा है तो करंट हो रही है मैक्सिमम। तो ये देखो, ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, इस पर करंट क्या होगी? मैक्सिमम। ये ओमेगा आर है, ओमेगा आर पर करंट जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अगर आपने कभी बचपन में रेडियो बजाया है तो आप जब रेडियो को ट्यून करते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के एफएम बिल्कुल क्लियर बजता है,
तो बेटा वहाँ पर जो आप ट्यूनर घुमाते हो ना, वो कहलाती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। उसके आजू बाजू जो रेडियो होता गंदा बचता है ना, मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियो देखा होगा या पुलिस वालों को देखा होगा, वो अपने वायरलेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्यून करते हैं, ट्यून करके रखते हैं, वो उसकी होती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी मिलाते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लो, बस आज के लिए इतना ही, यहीं तक एक ग्राफ बना लो, ठीक है ना। तो देखो तीन रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस किस में मिलेगा बेटा, आर वन में। तो आर वन सबसे कम, आर टू उससे कम, आर थ्री उससे सॉरी आर थ्री आर टू उससे बड़ा और आर थ्री सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस जब मिलेगा तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा और करंट होगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है आई जीरो। हाँ लिख लीजिए आई मैक्स, बना लीजिए, बस यहीं तक ग्राफ है, ये मैं मिटा देता हूँ। डन। यस सर, डन। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, यही है। कल पढ़ेंगे रेजोनेंट कर्व और कल ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। केवल इसमें एक ही टॉपिक बचा है बेटा लास्ट का, पावर और एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन शायद सिलेबस से हट गया है। ओ ट्रांसफार्मर भी है, तीन टॉपिक है, एक क्लास दो क्लास लग जाएंगी इसमें। चलिए थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सर इस लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल 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 दे दूंगा भाई, एसी मैं प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, आपको दे देता हूँ। है हाँ,